हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आए हैं ताकि आप लोग सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके, पढ़ाई लगातार करते रहें। मैं दर्शन अरोड़ा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा मैट्रिक्स। हमने पिछला लेक्चर मैट्रिक्स का देख लिया था, कुछ कुछ उसकी बेसिक बातें कर ली थी। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किस तरह डिफाइन होती है, क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, किस तरह से मैट्रिक्स में और छोटे मोटे काम होते वो देख लिया था, ट्रेस क्या होता है वो समझाया था, मैट्रिक्स के एलिमेंट किस तरह से लिखते हैं, अवयव किस तरह से लिखते हैं वो समझाया था। आज वही शुरुआत को सुचारू रूप से चलानी है। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। बच्चों, मैट्रिक्स आपके लिए पूरा ही नया कंसेप्ट है, तो हमें पूरा ही नया कंसेप्ट अलग तरह से समझना होगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि मैट्रिक्स कोई तरह की संख्या नहीं होती। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं हो सकती है, मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं होती। तो मैट्रिक्स जब भी आप लिखेंगे तो उसके अंदर नंबर लिखे जा सकते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, या फंक्शन आ सकते हैं तुम्हारे, या वेक्टर्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है। बच्चों, मैट्रिक्स का जो यूज है, जैसे जैसे आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वैसे वैसे मैट्रिक्स का यूज बहुत बढ़ते जाएगा और एक बहुत अच्छे लेवल पे मैट्रिक्स चली जाएगी। तो हमें आज शुरू करना है मैट्रिक्स का कंपैरिजन। बच्चों, मैट्रिक्स का कंपैरिजन क्या होता है हमें वो देखना है। बच्चों, मैट्रिक्स का कंपैरिजन करने के लिए हम मानते हैं एक मैट्रिक्स मेरे पास में ए है, दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास में बी है। अब बात आई कि सर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अगर उनको कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, वही उसकी एक शर्त रहेगी, उसके अलावा कोई शर्त नहीं रहेगी। बच्चों, अगर कंपेयर कर पा रहे हो तो उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकती है, कंपेयर हो सकती है, वरना कंपेयर नहीं हो सकती है। बच्चों, मैं धीरे धीरे बताऊंगा क्या मैट्रिक्स का रियल यूज है आपके मैथमेटिक्स में, बट एक बार आप बेसिक जान लीजिए। तो मैंने लिखा यदि ए बराबर बी होगा तो क्या होगा। बच्चों, अगर ए जो है कैपिटल ए मैट्रिक्स है, उसके अवयव उसके एलिमेंट को अपन किस तरह से लिखते हैं, इस बॉक्स में लिखते हैं, बॉक्स ए आई जे एम क्रॉस एन। उसी तरह बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट उनको अपन क्या लिखते हैं, बी आई जे एम क्रॉस एन। और बच्चों, अगर ए और बी बराबर है तो ए आई जे एम क्रॉस एन और बी आई जे एम क्रॉस एन बराबर होंगे। कुछ बच्चों के मन में संशय होगा कि सर इसको किस तरह समझा जाए, तो बच्चों वो भी देखते हैं। बेहद छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मैट्रिक्स ए जो दे रखी है वो दे रखी है एच और टू। सबसे पहले बच्चे देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, एम क्रॉस एन, और एम क्रॉस एन का मतलब होता है एम रो चाहिए और एन कॉलम। बच्चों, रो का मतलब समझा जाता है एक्स एक्सिस कितने है मेरे पास, 1, और कॉलम कितने मेरे पास, वाई एक्सिस कितने है मेरे पास, 2। ठीक है, अगर दूसरी मैट्रिक्स कंपेयर करवानी है तो उसका जो ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको दूसरी मैट्रिक्स दी 3 एंड 4, तो ये भी कितना है मेरे पास, 1 क्रॉस 2 आया। अब बच्चों, आपको बात बोली जाती है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इफ ए इक्वल्स टू बी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं। इफ ए इक्वल्स टू बी तो बच्चों क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स रख देंगे एच और टू, दूसरी मैट्रिक्स रख देंगे 3 और y, दोनों का ऑर्डर लिख दिया 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2। ठीक है बच्चों, अब होते क्या है, मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देखने होते हैं चीजें। मतलब इस मैट्रिक्स का A11 उस मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के A11 के बराबर होगा, इस मैट्रिक्स का A12 उस वाले के B12 के बराबर होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर मैट्रिक्स बराबर है तो A11 बराबर B11 होगा, A12 बराबर B12 होगा। बच्चों, इसका A11 कितना है, x है, उसका B11 कितना है, 3 है, तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ गई 3। इसका A12 मेरे पास में कितना है, 2 है, इसका B12 कितना है, y है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा
ये दो मैट्रिक्स है क्या वो बराबर हो सकती है क्या, 1 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है आपको एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, इनका ऑर्डर चेक करेंगे। बच्चों ऑर्डर चेक करने गया तो मेरे पास इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, तो क्या लिखा जाएगा 1 क्रॉस 3। बच्चों इसमें मेरे पास में तीन रोज है और एक कॉलम है, क्या लिखा जाएगा 3 क्रॉस 1। मैट्रिक्स बराबर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। बच्चों यदि ऑर्डर सेम होंगे तो ये अपन बोल पाएंगे मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, वरना हम लोग मैट्रिक्स को कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों ठीक है, बच्चों यदि मैट्रिक्स को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे ए इज इक्वल्स टू बी। मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे। तो अब यहां से बात आती है कि इनको ऑर्डर सेम नहीं है तो कंपेयर नहीं करवा सकते, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। समझ गए बच्चे। अब बात आती है मेरे पास कुछ क्वेश्चन से, समझते हैं कैसे मैट्रिक्स बराबर हो सकती है कैसे नहीं हो सकती है। माना एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें इस तरह से, ए प्लस बी 7 माइनस 3, फिर कितना दे रखा 2 ab और 4 इक्वल टू दे रखा है तुम्हें 6, फिर दे रखा तुमको 7, फिर दे रखा -3। ठीक है बच्चों, फिर साथ में 2 8 और 4 दे रखा। पहले बच्चों ने देखा था अगर ये मैट्रिक्स बराबर है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर देखो बच्चों, रोज कितनी है मेरे पास में 3 रोज है और कॉलम कितने बच्चे मेरे पास 2 कॉलम है, तो क्या लिखा जाता है रोज इंटू कॉलम। इसके भी रो बच्चों कितने, 3 रो दिख रही है और कॉलम दिख रहे हैं 2, तो 3 क्रॉस 2। मैंने आपको भी समझाया है कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपने पास में वैल्यूज होंगी वो इक्वल होगी, मतलब a11 b11 के बराबर, a12 b12 के बराबर। तो क्या देखना आपको, जहां जहां वेरिएबल है उसी उसी को देखेंगे अपन, बाकी दूसरी चीजों को अपन देखने में अपन वक्त जाया नहीं करेंगे। तो बच्चों इसका पहला और इसके पहले में इस तरफ मेरे पास वेरिएबल है तो क्या बन जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 4 आई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। दूसरे मेरे पास में क्या है बच्चे, ए बी है और यहाँ पे मेरे पास में कितना है 8। ये जो ए बी है बच्चों दिख रहा है सबको, ये a22 है और ये जो 8 है वो मेरे पास में b22 है, तो a22 बराबर होगा b22 के, तो इसलिए मेरे पास में ए बी की वैल्यू आई 8, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ने कहा सर यहाँ से a और b निकालना है, तो कुछ बच्चों के मन में बात चमकी कि सर ऐसा तो हम लोग 10th में पढ़ के आ चुके हैं कि यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 8/a। b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 8/a। और इस b की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, जब भी दो इक्वेशंस होती है तो एक से वैल्यू लेते हैं दूसरे में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की तो कितना आया मेरे पास बच्चों, मेरे पास में कितना आएगा b की वैल्यू अगर 8/a, तो a प्लस 8/a इक्वल्स टू कितना आया बच्चों 4। अपन चलने वाले हैं इस तरफ, देखो बच्चों एलसीएम कितना है मेरे पास में, एलसीएम मेरे पास आ गया a, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आया a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 4a, और सिंप्लीफाई करने पे क्या आया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8 बराबर 0। हाँ बच्चों इसको सॉल्व करने के तरीके मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे, 11th से 12th में आए हैं आप लोग, तो इसको सॉल्व करने के तरीके जानते होंगे। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है आप जानते हैं, पहला मेथड होता है फैक्टराइज करना, दूसरा मेथड होता है आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान रहेगा, जब आप एक्स स्क्वायर वाला देखते थे, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखते थे तो आप एक्स बराबर लिखते थे, यहाँ पे आप क्या देखेंगे a के फॉर्म में देख रहे तो आप क्या लिखेंगे a बराबर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, x बराबर क्या था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ऐसा हुआ करता था, जबकि यहाँ पे जो b था वो x का कोफिशियंट था, तो यहाँ भी x का कोफिशियंट कौन है मेरे पास माइनस 4, तो माइनस टाइम्स माइनस 4 प्लस माइनस, तो बच्चों b का स्क्वायर मतलब क्या हुआ x के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का ऑप्शन कौन है मेरे पास माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना है मेरे पास में 16 आया, माइनस 4ac। बच्चों a कौन होता है x का कोएफिशिएंट और c कौन होता है मेरे पास में कांस्टेंट। बच्चों ये देखते ही आप लोगों ने बोला कि सर इसकी वैल्यू रियल वैल्यूज तो आ ही नहीं रही, पर आपको यहाँ पे रियल वैल्यूज के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज के बारे में पूछा गया है, तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। अपॉन में कितना आएगा 2a, यहाँ पे a का मतलब क्या हुआ करता था मेरे पास में x का कोफिशियंट, x स्क्वायर का कोफिशियंट, यहाँ कौन है a स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है 1 है, तो यहाँ कितना आएगा इस तरह से 1 आएगा।
सो ए की वैल्यू निकली तुम्हारे पास 4 प्लस माइनस 16 माइनस 32 कितना हुआ माइनस 16 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, जो बच्चे 11th पढ़ के आ चुके हैं वो बच्चे मुझे बता रहे हैं कुछ कुछ कि ए की वैल्यू आएगी सर 4 प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था या फिर आपने पढ़ा होगा रूट ऑफ माइनस 16 को क्या बोल सकते हैं अपन, रूट 16 इंटू रूट माइनस 1। अब बच्चों रूट माइनस 1 को अपन ने आयोटा कहा है तो क्या बन जाएगा आयोटा इंटू रूट 16, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या है मेरे पास में आयोटा रूट 16 अपॉन 2। कुछ बच्चे बोल रहे सर रूट 16 तो 4 होता है तो ए की वैल्यू कितनी बन गई 4 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। यदि ए की वैल्यू आ गई तो यहां से मेरे पास में बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यदि ए की वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास में बी की वैल्यू भी आ जाएगी, यहां वैल्यू रखेंगे और अपने पास में आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू मेरे पास में आ गई, अगर आप ढंग से देखें सिंप्लीफाई करने के बाद तो मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। ए की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को। अब बच्चों बात आती है सर बी की वैल्यू क्या होगी, बी कितना दे रखा आपको यहां पे 8 अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा 8 अपॉन ए की वैल्यू जब मैं 2 प्लस 2 आयोटा लेता हूं तो बच्चों 8 को इधर मैंने 2 कॉमन लिया 1 प्लस आयोटा बना, 8 अपॉन 2 बन गया तुम्हारे पास 4। ठीक है बच्चों, 4 अपॉन बन गया 1 प्लस आयोटा। क्लास 11th में पढ़ा था ऐसी जब भी चीज आती तो आप क्या करते थे हमेशा रैशनलाइज करते थे, ये जो भी चीज होती थी इसको रैशनलाइज करने के लिए 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते थे। जिन बच्चों को याद नहीं है या फिर 11th ढंग से नहीं पढ़ी हो वो देखिए 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। और कुछ बच्चे जानते सर आयोटा का स्क्वायर तो ऑलरेडी माइनस 1 होता है तो वैल्यू कितनी बनेगी 2 बनेगी। तो बच्चों मेरे पास यहाँ क्या बन गया 4 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन कितना आया 2, और कट करने पे आया 2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा। समझे बच्चे मेरी बात, जब अपन ने ए की वैल्यू प्लस वाला लिया था तो मेरे पास बन गया 2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा। अब बच्चों थोड़ा सा काम आपके सोचने के लिए मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं, यदि ए की वैल्यू मैं ले लेता माइनस वाली, यदि यहां माइनस वाले ले लेता तो ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई करता प्लस वाले से करता, और जैसे ही प्लस वाले से करता तो ऊपर मेरे पास में माइनस की जगह पे क्या बन जाता प्लस बन जाता और बाकी शक्लें हूबहू बनती है, आपका एक तरह से होमवर्क बन जाता है एक्सरसाइज बन जाती है। बच्चों आंसर आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। तो बी की वैल्यू अंत तक कितनी आई 2 टाइम्स 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, यहां पे आपका इक्वल होना आपके लिए कारगर प्रूव होता है। अब बात आती है बच्चों क्या इस तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं बच्चों। अब माना इसके अलावा मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, एक एक्स दूसरा वाई दूसरा तीसरा 3x माइनस वाई, फिर मेरे पास में वाई स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, फिर मेरे पास यहां पे मैंने मान लिया 3 आया, फिर मेरे पास मान लिया मेरे पास 4 आया, फिर यहां मैंने मान लिया मेरे पास में माइनस 1 आया और यहां मेरे पास में 16 आया। आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू बताओ, क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे y की वैल्यू बताओ। देखना बच्चों कुछ बच्चे इसको भी गलती करेंगे, कैसे गलती करेंगे कि सर आपने कहा था कि जो लगातार एलिमेंट होते हैं वो तो बराबर होते हैं, तो मैंने कहा हाँ बच्चों, तो x बराबर बच्चों ने बोला कि सर a11 बराबर b11 होगा तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया, सर y बराबर कितना हो गया 4 हो गया यहां से, अब सर 3x माइनस y दे रखा है मेरे पास में माइनस 1, तो बच्चों ने क्या किया यहां पे 3x माइनस वाई की जगह पर सिर्फ x माइनस वाई रखेंगे अपन। ठीक है, जब मैंने x माइनस वाई रखा तो मेरे पास में कितना बन गया 3 माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में यहां भी 4 आई, और फिर बच्चा आया कि सर y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सर यहां से तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 दोनों बननी चाहिए तो आंसर में प्लस माइनस 4 दोनों आना चाहिए। पर ये देखो बच्चों इसका हर एक एलिमेंट जो है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस को या माइनस को। सोचो अगर y बराबर माइनस 4 ले लेंगे तो यहां पे वैल्यू तो माइनस 4 रहनी चाहिए थी, जबकि माइनस 4 नहीं दे रखी, तो दैट इज व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा सारा एक बार चेक करना पड़ेगा, जहां जहां वेरिएबल है उसको चेक करना पड़ेगा कहीं कहीं आपसे गलती नहीं हो रही हो। माना कोई बच्चा पहले ही सर वाई स्क्वायर में कंपेयर कर लेता, वाई स्क्वायर से उसके पास में 16 से क्या बन जाता वाई बराबर प्लस माइनस 4,
जैसे ये बन जाता बच्चा तो लिख के आ जाता वाई बराबर प्लस माइनस फोर और क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता क्योंकि वाई बराबर माइनस फोर तो इस मैट्रिक्स को क्या कर रहा, सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। समझे बच्चे? अब बात आई कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसी होगी मैट्रिक्स की, क्योंकि आपने कहा मैट्रिक्स तो नंबर नहीं है। कोई बच्चे देख पा रहे हैं कि मैंने मैट्रिक्स की जगह पे यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा है। तो बच्चों मैट्रिसेस जो होता है वो मैट्रिक्स है, मेरे पास में प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगी तो अपन मैट्रिसेस बोलेंगे। ओके बच्चों, अब बात आती है सर दो मेरे पास में मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है, किस तरह किया जाएगा? तो बच्चों मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका मेरे पास में देखते हैं वापस अपन लोग। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए भी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो कुछ बच्चों का जवाब आया कि सर जब अपन कंपेयर करेंगे तो भी ऑर्डर सेम चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ऑर्डर सेम चाहिए। तो हाँ बच्चों दोनों टाइम पे आपको ऑर्डर सेम चाहिए। जैसे सिंपल सा मैं आपको ए मैट्रिक्स देता हूं, मान लिया 1, 2, -3 और 4, ठीक है बच्चों। बी मैट्रिक्स मैं आपको देता हूं 7, 8, -3/4 और 8, ठीक है बच्चों। मैंने कहा ए प्लस बी निकालो, तो ए प्लस बी निकालने के लिए तुम बोलोगे सर सबसे पहले हमें ऑर्डर देखने दो। तो बच्चों को दिख गया इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का ऑर्डर है, ठीक है बच्चों। इसमें दो रो है और दो कॉलम है, रो का मतलब एक्स एक्सिस और कॉलम का मतलब वाई एक्सिस। और दूसरी बात है कि सर इसमें इस दूसरे वाली बी का ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर भी 2/2 है। आई होप सबको क्लियर होगा। अब कैसे जोड़ेंगे वो समझे, मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे। समझो बच्चों ए आई जे का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ ए वन वन होगा उसी से बी वन वन जुड़ेगा, जो यहाँ ए वन टू होगा उसी से बी वन टू जुड़ेगा या सब्ट्रैक्ट होगा। समझे बच्चे मेरी बात? अगर ऐसा रहेगा तो ही अपन उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस माइनस बी में देख रहा हूँ, और जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो देखो, ऑर्डर दोनों का एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन है तो आंसर का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन आएगा। यहाँ पे 2×2 तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 2×2 आएगा। तो बच्चों कैसे जोड़ेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से जोड़ेंगे तो 1+7 लिखा जाएगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से जोड़ेंगे तो 2+8 आएगा। अब दूसरी रो में गए तो -3 है और एक -3/4 है, दूसरे मेरे पास 4 और 8 है। समझे सारी बच्चे मेरी बात? और इसको किस तरह लिखा जाएगा, 1+7 बन गया 8, 2+8 बन गया 10, -3 और -3/4। हाँ बच्चों ये कितना बन गया, एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास में आया 4, और 4 आने पे मैंने क्या किया, -12 -3। मेरे ख्याल से आपको इतना आता होगा, एलसीएम लेना आता होगा, और यहाँ मेरे पास में आ गया 12। कुल मिला के मेरी जो मैट्रिक्स बननी है वो 8, 10, -15/4 और 12 बननी है। सारे बच्चों को आई थिंक क्लियर होना चाहिए एडिशन किस तरह से किया जाएगा। एडिशन के लिए क्या चाहिए, जितने भी मैट्रिक्स है अगर 5, 6, 1 ए बी सी डी सबको मैं जोड़ रहा हूं तो सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद मैं कैसे एलिमेंट जोड़ेंगे कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग जोड़ेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, इसकी पहली रो का पहला कॉलम और इसकी पहली रो का पहला कॉलम ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और ऐसे ही अगर बहुत सारे हुए तो उनके सब में भी यही काम चलता रहेगा। समझे बच्चों? अब बात आती है मेरे पास में कुछ और एग्जांपल्स की। मैंने मान लिया a बराबर दे रखा है तुम्हें x -3, 7 और 9, ठीक है। b तुम्हें दे रखा है -3, y, 0 और 7, ठीक है बच्चों। अब तुमको पूछ रहा है कि a प्लस बी निकालो, तो सबसे पहले तुम क्या बोलोगे, फिर ऑर्डर देख लेते, ऑर्डर इसका कितना है 2/2 का, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2 का। तो जब मैं जोड़ने जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पहला एलिमेंट पहले से जुड़ जाएगा तो x+-3, दूसरा एलिमेंट इसका दूसरे से जुड़ जाएगा तो -3+4, फिर 7+0, फिर 9+7। अगेन आंसर भी कितना आएगा, जितना a और b का ऑर्डर है उतना ही आंसर आएगा बच्चों। अब क्या बन गया मेरे पास बच्चों, ये x-3, y-3, मैं क्या कर रहा हूँ जो भी वेरिएबल है उनको पहले लिख रहा हूँ, फिर 7 और फिर कितना बना 16, ऑर्डर भी 2×2 का, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आप एडिशन समझ गए। अब इसी का सब्ट्रैक्शन बोलता, a माइनस बी बोलता तो क्या करते, पहले वाले एलिमेंट से पहले वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेते, कितना आ जाता है x-3, फिर इसके पहले एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से इसका दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेते, कितना आ जाता -3 -y, फिर इसके a2 में से b2 सब्ट्रैक्ट करने मेरे पास में कितना आता 7-0, और a2 में से b2 सब्ट्रैक्ट करने मेरे पास कितना आ जाता 9-7। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ रहे होंगे
बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा x माइनस माइनस कितना बन गया प्लस माइनस थ्री माइनस वाई यहां बन गया सेवन यहां बन गया टू। मेरे ख्याल से मैट्रिक्स के एड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यदि कोई दिक्कत होगी तो भी अपन क्लियर कर लेंगे। अभी माना मैंने तुम्हें तीन मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स दी है मैंने तुम्हें एक्स वाई और जेड माइनस वन माइनस टू थ्री जीरो वन सेवन। बी मैट्रिक्स मैंने तुम्हें दी है वन माइनस थ्री सेवन जीरो वन सेवन एक्स वाई और जेड। तो मैं पूछ रहा हूं सी मैट्रिक्स जो होगी वो मेरे पास में क्या होगी अगर सी जो है वो ए प्लस बी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आया तुम्हारे पास में सी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। यदि ए प्लस बी बराबर सी है, ए प्लस बी बराबर सी है तो सी का क्या बताओ ऑर्डर। तो तुम देखते बोलो कि सर अगर ऐड होना है तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, और अगर ए और बी का ऑर्डर सेम रहेगा तो वही ऑर्डर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे सी का रहता है। तो मैंने कहा ओके, इस तरह से मेरे पास में कुछ बन गया, ये वैल्यू आई। इन वैल्यू को मैंने 3 क्रॉस 3 फिला लिए, ऑर्डर ही 3 क्रॉस 3 बना। a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी के लिए क्या करूंगा, इसका a11 इसके b11 से, इसका a12 इसके b12 से, इसका a13 इसके b13 से, इस तरह से ऐड करते जाएंगे बच्चों। पहला एलिमेंट पहले से ऐड किया कितना बन गया x प्लस 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड किया कितना बन गया y प्लस माइनस 3, तीसरा क्या बन गया z प्लस 7, फिर a21 जो होगा वो b21 से तो माइनस 1 प्लस 0, a22 जो तुम्हारे पास होगा वो b22 से तो माइनस 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 7। मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से एडिशन करना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब बात आती है 0 और x का, नीचे कितना बना 0 प्लस x बना, फिर बन गया 1 प्लस y, फिर बन गया 7 प्लस z। इस तरह से 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनी। कुछ लोगों ने बोला सर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा a प्लस 1 y माइनस 3 z प्लस 7 माइनस 1 प्लस माइनस 1 बन गया, ये मेरे पास माइनस 1 और आया फिर 10 बना, फिर 0 प्लस x आया मेरे पास x, 1 प्लस y बना y प्लस 1 और फिर बना z प्लस 7। समझ गए बच्चे, आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका बन गया सी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से अपन चलेंगे आगे कि सर प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती है मैट्रिक्स एडिशन। जैसे अपन किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो कोई प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है। जैसे आपने लास्ट ईयर क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो प्रॉपर्टी आती थी कि एनसीआर को लिख सकते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टी आती थी कि जो एनसीआर होता है उसमें हमेशा एन बड़ा या बराबर होता है आर से, एन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और आर आपकी जीरो या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ऐसा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसकी कंडीशन पढ़ी थी। वैसे मैट्रिक्स को अगर जोड़नी है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ ऐड करने की प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएगी। तो बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, जितनी भी मैट्रिक्स है सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरे पास में, सेम होना चाहिए बच्चों। यदि ऑर्डर सेम रहेगा बच्चों तो ही अपन उस मैट्रिक्स को जोड़ या घटा पाएंगे, कुछ भी उसके अंदर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आती है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब है ऑर्डर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों ऑर्डर की, ऑर्डर के अरेंजमेंट की, सॉरी ऑर्डर की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की नहीं, ऑर्डर के अरेंजमेंट की, मतलब कौन पहले और कौन बाद में। तो अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए इसके अंदर क्या होते हैं बराबर होते हैं, बकायदा शर्त होनी चाहिए ए और बी मैट्रिक्स दोनों के क्या होने चाहिए सेम, ऑर्डर सेम होने चाहिए। बच्चों सिंपल सी बात करता हूं, ए तुम्हें दे रखा है 1 2 माइनस 3 और 4, बी तुम्हें दे रखा है 7 6 0 और 9। ठीक है बच्चों, यहां से प्रूव करते हैं ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों पहले ए प्लस बी निकालते हैं फिर अपन एक तरफ बी प्लस ए निकालेंगे। जब बच्चों मैं ए प्लस बी निकालूंगा तो फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट से हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, इसका सेकंड वाला इसके सेकंड से हो जाएगा कितना आएगा बच्चों अभी भी 8 आएगा 2 प्लस 6 से, ये माइनस 3 इसके 0 से हो जाएगा कितना आएगा माइनस 3 और ये 4 9 से होने के बाद में 13 बनेगा और ये बनेगा 2 क्रॉस 2 का। आई थिंक अब तो सबको समझ में आ गया होगा 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है। अब बच्चों b प्लस a निकालते हैं, b प्लस a का मतलब क्या हुआ b का पहला एलिमेंट, तो b का पहला एलिमेंट कौन है मेरे पास 7,
वो बी का पहला एलिमेंट ए के पहले एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको इस तरह से लिख दो बी बराबर 7609, फिर ए बराबर लिख दिया तुमने 1, 2, -3 और 4। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, बी का पहला एलिमेंट ए के पहले एलिमेंट से, तो 3, 7+1 कितना हुआ मेरे पास में 8, बी का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से कितना बन गया अभी भी 6+2 8, 0, -3 कितना है मेरे पास -3 और 9+4 कितना आया 13। तो आप देख पा रहे हैं ए प्लस बी बराबर क्या आ गया बी प्लस ए, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। बच्चों सर आप लोग बोलेंगे ये तो हमें पता है सर, बचपन में पढ़ चुके हैं कि 2+3 = 3+2 होता है, तो आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों बात है कि मैट्रिक्स एक अलग तरह की चीज है, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, मेनली प्रॉपर्टीज आगे अपन देखते हैं, अपनी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा काम आएगी, पर फिर भी देख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हुई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को अगर आपको याद रखना है तो याद रख लो एसोसिएट, हम क्या करते हैं इसके अंदर एसोसिएट करते हैं, किसको करते हैं इस ब्रैकेट को, दिख रहा है आपको ब्रैकेट, ये बी और ये सी के साथ लगा हुआ अभी, और फिर मैंने क्या किया ए और बी के साथ लगा दिया। तो आपका जिसके साथ मन हो ब्रैकेट लगाने का उसको ले सकते हो, मतलब पहले या तो अगर आपके पास में ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हो और आपको तीनों को ऐड करना है, या तो क्या कर लो बी और सी को ऐड कर लो और फिर उसके बाद में ए के साथ में एडिशन करवा दो, या फिर क्या कर सकते हो ए और बी के साथ को ऐड कर लो और सी के साथ में एडिशन करवा दो। बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ए मैट्रिक्स दे रखा है -1, 3, 0 और 7, बी मैट्रिक्स दे रखा है तुमको -3, 0, 7 और 6, और सी मैट्रिक्स तुम्हें दे रखा है -1, 3, 0 और -3। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि सर जब भी ऐड करेंगे तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, देख लेते ऑर्डर 2x2 का, ऑर्डर 2x2 का, ऑर्डर 2x2 का। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं बी और सी को जोड़ रहा हूं, बी और सी को जोड़ने में मेरे पास ऑर्डर कितना आएगा 2x2 ही आएगा। तो जब मैंने B प्लस सी को ऐड किया बच्चों तो कितना आया मेरे पास, B का पहला एलिमेंट C के पहले एलिमेंट से जुड़ेगा तो क्या आएगा -3 + -1, B का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से जुड़ेगा तो कितना आएगा बच्चों 0 + 3, B का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम जो 7 है इसके 0 से जुड़ेगा 7 + 0 और 6 जुड़ेगा -3 से। ठीक है बच्चों, ये सबको क्लियर होगा, इससे तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है देखो बच्चों -9, 3, 7 और 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया बी प्लस सी। अब बात आती है सर इसके अंदर क्या ए भी आ सकता है, तो हाँ ए भी अपन जोड़ेंगे इसमें, जब मैं ए जोड़ रहा हूं तो बच्चों क्या बन गया ए प्लस बी प्लस सी, कितना आता है एक बार देख लेते हैं, इसमें ए जोड़ूंगा तो देखो बच्चों अगर ए जोड़ दिया जाए -1, 3 और 0, 7 + -9, 3, 7 और 3, जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना बनेगा देखो, पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा तो -10, दूसरा दूसरे से तो 6 बन गया, फिर 0 + 7, 7, 7 + 3, 10। क्या आपको दिख रहा है सबको a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है। आई थिंक सबको एसोसिएटिविटी का मतलब क्लियर होगा कि इसमें आप ब्रैकेट अपने मन से लगाते हो, यदि दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो वो मैट्रिक्स को पहले जोड़ेंगे जो आसान दिख रही है ना आपके लिए, जो आसान लगे कि जल्दी जल्दी मैं उसको जोड़ सकता हूं तो जोड़ लिए, फिर दूसरी वाली मैट्रिक्स से हम उसका एडिशन करवा देंगे। ठीक है बच्चों, यही आपके पास में होता है एसोसिएटिविटी। पहले मैंने आपको पढ़ाया था कम्यूटेटिविटी, जो कि क्या होती है कि सर ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो बराबर होगा, समझ गए बच्चे मेरी बात। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आगे, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब बात आती है सर क्या इसमें मैं ए प्लस बी और उसके साथ में सी भी जोड़ूं। हाँ बच्चों ये आपका रहेगा एक टास्क रहेगा जोड़ने का, और अंत में आपके पास में यदि आंसर सही आए तो सही है वरना गलती है। ठीक है बच्चों, वैसे ये प्रूफ होती है, उसी प्रूफ चीजों को अपन क्या करते हैं पढ़ते हैं 11-12 के अंदर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक नंबर है 3, उसमें मैं क्या जोड़ू कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो बच्चे ने कहा सर 3 में -3 जोड़ोगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसको बचपन में कहा था हमने एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते बच्चों इसको, एडिटिव इनवर्स कहा था हमने। बच्चों उसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी आएगा कि इफ अगर मैट्रिक्स ए दे रखी है और उस मैट्रिक्स का सम एम के साथ करना है, कोई एम नाम की मैट्रिक्स है उसके साथ अगर आपको उस मैट्रिक्स का सम करना है और आपका आंसर 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0,
अब बात आती है सर मैट्रिक्स जीरो होती है या जीरो मैट्रिक्स होती है, तो बच्चों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती है, न कि जीरो। ये जो मेरे पास ओ लिखा हुआ वो डिनोट करता है जीरो मैट्रिक्स को। बात आएगी सर ए एम और ओ का ऑर्डर सेम होना चाहिए क्या, तो वो तो शर्त है, ऐड करोगे तो सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चों जैसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लिया मैंने ए की वैल्यू दे रखी है -3, 1, 0 और 7, ठीक है बच्चों। अब मान लिया एम पता नहीं है और ओ जो होगा वो क्या आएगा अपने पास में, सारे के सारे एलिमेंट जीरो आएंगे, तो यहां से मुझे निकालना है m। तो देखते हैं बच्चों कैसे निकलेगा, लिखेंगे a प्लस m बराबर o, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, -3, 1, 0 और 7, m की वैल्यू पता नहीं है, m की वैल्यू पता नहीं है तो क्या रख देंगे x y z और w रख दिया। इक्वल्स कितना है मेरे पास में, इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया 0, 0, 0 और 0। अब बच्चों क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि यहां तो एडिशन हो रहा है और ये एडिशन इसके इक्वालिटी के बराबर है, तो इसमें दो कंसेप्ट आए, पहले जोड़ो फिर उसको बराबर के इक्वल्स रखो। बच्चों जोड़ने पे मेरे पास में कितना आ रहा है देखें, -3 + x पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट होगा, बहुत देर से करते आ रहे हैं जल्दी जल्दी करते हैं, -3 + x, 1 + y, 0 + z और 7 + w = 0, 0, 0 और 0। अब बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे पहली वैल्यू से कंपेयर हो जाएगी, तो क्या आया -3 + x बराबर कितना आया 0, यहां से x कितना है तुम्हारे पास में 3 आया, ठीक है बच्चों। दूसरा मेरे पास में क्या बना 1 + y, 1 + y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू -1, फिर 0 + z बराबर 0 से z की वैल्यू कितनी आई 0, और लास्ट 7 + w बराबर 0 से w की वैल्यू कितनी आई -7। अब बच्चों क्या करो, इन सब की वैल्यू एक बार रख लो, तो मैंने क्या किया m मैट्रिक्स में वैल्यू रख ली, x की जगह कौन आएगा मेरे पास में 3 आया, y की जगह कौन आया -1 आया, 0 की जगह मेरे पास में 0 आया और 7 की जगह w की वैल्यू -7 आई। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं ये जो m है उस m के अंदर जहां -3 था वहां पे 3 आया, 1 की जगह -1, 0 की जगह 0 क्योंकि 0 प्लस माइनस एक ही बात रहेगी, और 7 की जगह -7 आया। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए होंगे आप कि क्या होता है एडिटिव इनवर्स। इसकी एक छोटी सी बात आगे समझाऊंगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब एक छोटी सी बात अगर यही समझाई जाए तो सुनो, मैट्रिक्स में अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है, वापस बोलता हूं बात को, मैट्रिक्स में अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, वही कुछ कंसेप्ट यहां लगा है, ठीक है बच्चों, वो आगे समझाऊंगा पूरा प्रॉपर्ली ढंग से। आगे देखते हैं नेक्स्ट में मेरे पास में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि एड करो और आपकी वैल्यू आ जाए सेम। तो बच्चे बचपन से देख रहे हैं सर 7 में क्या ऐड करूं कि वैल्यू सेम आ जाए, कि सर 7 में 0 ऐड कर दो तो क्या आएगा 7 आएगा। तो वही है एडिटिव आइडेंटिटी कि अगर a में o ऐड कर दो, o का मतलब क्या हुआ नल मैट्रिक्स ऐड करने पे आंसर क्या आएगा a आएगा, या फिर नल मैट्रिक्स में a ऐड करने पे क्या आएगा a आएगा। इसका कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने बोला सर a मुझे दे रखा है -1, 7, 3 और 6, तो जो O होगा उसका ऑर्डर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया A प्लस O बराबर यदि A है तो O का ऑर्डर बताओ, तो तुमने बोला कि सर ऐड हो रहा है, ऐड होने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए, यदि A का ऑर्डर 2 × 2 है तो O का ऑर्डर भी कितना रहना चाहिए 2 × 2 रहना चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे, तभी बात बन पाएगी, क्लियर बच्चों। अब मेरे पास आता है कैंसिलेशन लॉ। बच्चों कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, सर बचपन में पढ़ा था 7 + 3 = ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है बच्चों 7 + 3 = इसी तरह से आपको कुछ और नंबर दे देता, मान लिया -3 + मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ, वैल्यूज बड़ी बड़ी करके समझा रहे हैं, -3 + 8 + आपको दे रखा होता 5, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो क्या क्या बन सकता था मेरे पास में, यहां से मेरे पास बन सकता था 5 + 5,
और 5 को मैंने इसको तोड़ दिया किस फॉर्म में, 7 माइनस 2 प्लस 5 के फॉर्म में, ये मेरे पास बन गया 7, ये मेरे पास बन गया 3। इस तरह से 7 से 7 कटा तो 3 बराबर 3 आया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कैंसिलेशन लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर a प्लस बी बराबर ए प्लस सी है तो a से एक कट जाएगा। बात इतनी सी थी कि क्या मैट्रिक्स के अंदर भी होगा, तो हाँ चलेगा। वापस रिपीट कर देता हूं, पहला पढ़ा था कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होता था यदि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। दूसरा पढ़ा था एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव मैंने समझाया था आपको कि ब्रैकेट देना है मन से, कि अगर तीन अगर मैट्रिक्स का ऐड करना है तो क्या करेंगे। माना पहले दो ऐड कर ली फिर तीसरा ऐड किया, ऐसा हो सकता है ना, तो हाँ हो सकता है। तो ए प्लस, या तो पहले बी और सी को ऐड कर दो, या फिर क्या करो पहले ए और बी को ऐड कर दो उसके बाद में सी ऐड कर दो। फिर तीसरा आया था मेरे पास में मैट्रिक्स का इनवर्स पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है मैट्रिक्स में क्या जोड़ा जाए कि सम जीरो आ जाए। तो मैंने बोला ए में एम मैट्रिक्स जोड़ने पे यदि जीरो आता है, मतलब जीरो मैट्रिक्स आती है, नल मैट्रिक्स आती है, तो मेरे पास जो एम होगा वो कितना आएगा, माइनस ए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चौथा पढ़ा था अपन ने अभी, क्या पढ़ा था अपन ने कि यदि मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आए। तो ए में अगर अपन नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो ही तो कोई चेंज नहीं आएगा। किसी वैल्यू में कोई नंबर जीरो जोड़ा जाएगा तो इसमें चेंज नहीं आने वाला है। समझ गए बच्चे मेरी बात। और लास्ट पढ़ा कैंसिलेशन लॉ, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका मैट्रिक्स का। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर वक्त मल्टीप्लिकेशन के सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। अब मल्टीप्लिकेशन भी कैसा है कि सर मैट्रिक्स तो पूरा ये रहा, मैट्रिक्स मैंने मान लिया, मैं बात करता हूँ 3x3 की मैट्रिक्स बात करता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। सर मैट्रिक्स दे रखा है A, और पहले तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में पहला टाइप होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, नंबर से। तो सिंपल सी बात है, यदि एक चीज को मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स से, तो वो नंबर पूरे मैट्रिक्स में जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, यदि मैं किसी नंबर के, या कोई नंबर मैंने मान लिया 3 है, उस 3 को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो 3 नंबर है वो पूरे मैट्रिक्स में सारी जगह चला जाएगा। कैसे सर, 311, 312, 313, 322, सर 3A21, 3A22, 3A23, 3A31, 3A32 और 3A33 ऐसा बन जाएगा। सारे बच्चे मेरी बात समझ गए क्या, कि यदि कोई नंबर K हो और उस K नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाई जाए तो वो मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। जो बच्चों मैंने बात बोली है उसी का उल्टा पूछ रहा हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करने पे पूरा नंबर अंदर डाल रहा हूं तो क्या इसके अंदर से जब भी कोई चीज कॉमन लेनी होगी तो क्या पूरे में से कॉमन आएगी क्या बच्चों? तो बच्चों ने कहा हाँ सर, जैसा मल्टीप्लिकेशन में हुआ है वैसा ही होगा। अगर एक नंबर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया है, अगर वो सब में गया है, तो जब मैं उसमें से नंबर कॉमन लूंगा तो वो पूरे में से कॉमन आएगा। तो बच्चों जैसे ही मैं कॉमन लेने गया तो मेरे पास क्या बन गया, 3 बार आ जाएगा। अंदर क्या आया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरह से आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। सारे बच्चे समझ गए सर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ एक नंबर है उसको नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दो। नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास में, कोई ना कोई मैट्रिक्स के अंदर पूरा नंबर जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है सर इसका एग्जांपल ले लें। एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए दे रखा है तुम्हें -1, 3, 2, 4, 6 और 7। ये मैट्रिक्स पहले देखो ऑर्डर क्या है इसका, 3x2 का ऑर्डर है, 3 रो दिख रही है और 2 कॉलम दिख रहा है। मैंने बोला इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2a बराबर क्या आएगा बच्चों, 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × -1, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6 और 2 × 7। क्लियर है बच्चों? और ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा।
क्लियर बच्चों? जब 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस 2, 2 को 3 से किया तो 6, 2 को 2 से करने पे 4, 2 को 4 से करने पे 8, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू जा रही है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों? ऐसा अपने पास में आया। अगर कोई पूछता क्या इसके अंदर से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो अपने को दिख रहा है इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने अभी अभी समझाया था, जो कॉमन लेंगे वो सब में से बाहर आएगा, मतलब सब में से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। और कॉमन लेने पे मेरे पास में क्या बच जाएगी सब में, यहाँ माइनस 1, 3, 2, 4, 6 और 7 रह जाएगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है बच्चों? यहीं पे अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। माना ए दे रखा है तुमको 2, -1, 7 और 6, ये 2x2 की मैट्रिक्स दिख रही है। अब बच्चों आपको निकालना है यहाँ पे 1/7a, क्या निकालना है 1/7a, तो क्या करूंगा मैं सबको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों? 7 × 1/7 और 6 × 1/7। अभी समझाया था मैंने, मैट्रिक्स में कोई भी नंबर जाता है तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, 2/7 − 1/7, 7/7 कितना बना 1, और ये बन गया मेरे पास में 6/7। क्लियर है बच्चों? सर क्या इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या इसी तरह से अपन वैल्यूज डालेंगे? हाँ बच्चों, इसी तरह से वैल्यूज डाली जाएगी। अब मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन है, 2 मिनट उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों? आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला है ये मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का में मल्टीप्लीकेशन। बच्चों पहली बात तो ये है कि जब मैट्रिक्स का नंबर से किया था तो कोई शर्त नहीं थी, उसमें जो भी वैल्यू होती थी वो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती थी, जबकि इस वाली मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में शर्त लगेगी, कंडीशन लगेगी। बच्चों वो कंडीशन क्या होती है आइए देखते हैं। कंडीशन दे रखी है, यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे, उसका ऑर्डर दे रखा है एम क्रॉस एन, ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ऑर्डर के ऊपर ध्यान रहना चाहिए इसके अंदर। और बी मैट्रिक्स है बी आई जे एन क्रॉस पी, ऐसा ही सर ऐसा ही होना चाहिए क्या? कि हाँ सर इसी तरह का होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ए का बी के साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, तो वो सुनो, वो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब ए के पीछे वाली वैल्यू और बी की पहले वाली वैल्यू सेम रहे। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब ए के पीछे वाली वैल्यू और बी के पहले वाली वैल्यू सेम रहे। तो कुछ बच्चों का जवाब आया सर ए की पहले ए की बाद वाली वैल्यू को तो अपन कॉलम बोलते हैं, तो हाँ कि ए भी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो है वो, और सर बी की पहले वाली चीज का मतलब क्या हुआ, बी की रो हुआ, तो हाँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल होना चाहिए। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी इसमें, तो मैं आपको समझाता हूं। माना ये मैट्रिक्स 3x3 की है, माना दूसरी बी मैट्रिक्स है जो कि आपके पास में 3x4 की है। क्लियर बच्चों? अगर ऐसी है तो पूछ रहा है क्या ए भी पॉसिबल है क्या, तो हमने कहा एक बार चेक कर ले, तो ए भी पॉसिबल है क्या, ए के पीछे वाला और बी के आगे वाला क्या सेम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मतलब हाँ सर इतना पॉसिबल तो है। अब बात आई कि सर क्या बी ए पॉसिबल है क्या, तो बी ए को भी देख लेते हैं। बी ए के अंदर क्या लिखेंगे 3 × 4 और ए के अंदर क्या लिखेंगे 3 × 3। तो मैंने कहा देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है, तो मैंने कहा बी के पीछे वाला और ए के आगे वाला सेम होना चाहिए, तो पर यहां पे सेम नहीं है, इस वजह से बी ए पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों वापस सुनो, माना ए एक दे रखी है मैट्रिक्स, दे रखी है मान लिया 2x3 की, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है मान लिया मेरे पास, बी मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है मान लिया 2x या फिर 4x2 की, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन आया अभी भी कि क्या सर ए भी पॉसिबल है क्या, क्वेश्चन आया कि सर ए भी पॉसिबल है क्या, तो देखो ए भी पॉसिबल क्या के लिए क्या करेंगे, ए का पीछे वाला मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स
नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के आगे वाला मतलब नंबर ऑफ रोज। क्या बच्चों इक्वल आ रही है क्या? इक्वल नहीं है, मतलब ए बी तो पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, समझे? अब क्वेश्चन आया है सर ए बी नहीं, तो चलो एक बार ये चेक कर लो बी ए पॉसिबल है क्या। तो मैंने कहा बी ए पॉसिबल के लिए देख लो बी में क्या है 4x2, ए में क्या है अपने पास में 2x3। क्या बी के लास्ट वाला, बी के पीछे वाला और ए के पहले वाला इक्वल है क्या? तो बच्चों ने कहा सर हाँ इक्वल है, तो पॉसिबल है। अब बात आती है सर जो पॉसिबल है वो कैसे आएगा, कैसा ऑर्डर आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। आज तक अपन इतना ही सीमित रखेंगे, पर इंपॉर्टेंट बात ये कि कब पॉसिबल हो पाएगा मल्टीप्लीकेशन। यदि ए इंटू बी देखना है, ए क्रॉस बी देखना है, तो ए का पीछे वाला मतलब नंबर ऑफ कॉलम और बी के आगे वाला मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। अब बात है कि सर अगर ए बी पॉसिबल है तो ए बी को मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? तो ऑर्डर जो होगा वो कॉर्नर कॉर्नर वाले से मिलके बना होगा। यदि मैं बोलता हूं ए बराबर है मेरे पास 2x3 का, यदि मैं बोलता हूं मेरे पास जो बी है वो बराबर है 3x4 का, तो मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वो कहां से आएगा? कॉर्नर कॉर्नर से। तो ए बी का जो ऑर्डर है वो कहां से आएगा? कॉर्नर वो रहा 2, कॉर्नर ये रहा 4। तो क्या आएगा ऑर्डर मेरे पास में? 2x4, मतलब पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का लास्ट वाला। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, बट एक सबसे सिंपल बात तुमसे पूछने के लिए, यदि ए मैट्रिक्स मेरे पास में 4x2 की है, बी मैट्रिक्स मेरे पास में 2x8 की है, तो बताओ पहले तो ए बी पॉसिबल है या नहीं है, और यदि ए बी पॉसिबल है तो ए बी का ऑर्डर बताओ। तो बच्चों ने कहा सर ए बी पॉसिबल होने के लिए देखें ए का पीछे वाला और बी के आगे वाला मतलब ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है क्या? तो बच्चों ने देखा सर इक्वल है। अब सर ऑर्डर कैसे देखते हैं? ऑर्डर का समझाया था आपने कॉर्नर कॉर्नर वाले, तो ए का कॉर्नर 4, बी का कॉर्नर 8, तो ऑर्डर कितना बन जाएगा? ए बी का 4x8। क्लियर है बच्चों? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं किस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, क्या उसमें स्पेशलिटी होती है, किस तरह स्पेशलिटी मैट्रिक्स में आई है। क्लियर है बच्चों? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ धमाकेदार इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के साथ।